आज हम सब के लिए इस रूप में गर्व और गौरव की बात है। आपके इस असम प्रांत के लाडले ने पुलवामा में जो हमारे वीरों पर कायराना हमला जो हुआ था, उसमें जिन्होंने मां भारती के लिए शहादत दी, ऐसे अमर शहीद मानेश्वर बसुमतारी जी की माननीय धर्मपत्नी सनमति बसुमतारी जी, सुपुत्री डीडम श्री बसुमतारी जी, उनकी बहन मीना जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे लिए इससे बड़ा गर्व और गौरव की कोई बात नहीं हो सकती है कि हम उस परिवार का, शहीद परिवार का सम्मान करें। उनके सम्मान के लिए मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी को, हमारे बहुत ही आदरणीय हंगरामा जी और हमारे एमपी साहब विश्वजीत जी को भी मैं मंच पर बुलाता हूँ। यूं तो हम कल आपके परिवार में होकर के आए थे, परंतु शहीदों के लिए हमारे पास एक ही भाव है, संवेदना है कि हम जितना भी इनका अभिनंदन करें, वंदन करें, वो हमारे लिए कम है। और आप सब असम वासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है कि आज वो शहीद परिवार हमारे बीच में है, और आप सबको यह अनुभव कराने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं, एक बार करतल धोनियों से एक बार आपका अभिनंदन करें। हालांकि यह पीड़ा की घड़ी है, परंतु हमें गर्व और गौरव है उस वीर शहीद पर, उनके परिवार पर। तो आज मैं श्रद्धेय स्वामी जी से आशीर्वाद देने के लिए, अभिनंदन के लिए, बहन सनमति बसुमतारी जी के लिए श्रद्धेय स्वामी जी अपने शॉल से उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और ये उनकी बहन मीना जी का श्रद्धेय स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ में सुपुत्र बिटिया जो है डीडम श्री बसुमतारी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके परिवार से दूसरी बहन है नोनीमा जी के लिए भी बहुत आशीर्वाद है। और आज हम इस अवसर पर हमारा सबका हृदय जहां गर्व से और हमारे शौर्य से ऊंचा हो रहा है, वहीं हमारे मन में हमारी संवेदनाएं, भावनाएं उन सब वीर शहीदों के प्रति है। उन वीर शहीदों को स्मरण करते हुए, उनके नमन करते हुए, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग सब एक मिनट के लिए यहाँ पर मौन खड़े हो जाएंगे, और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो जहां भी है वो वहीं खड़े हो जाएं, एक बार सारे बच्चों को खड़े कर दीजिए, और एक बार हम मौन होकर के उन वीरों को, उन शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। कल हम वसुमतारी जी के घर भी गए और उनको पतंजलि परिवार के बच्चों ने 2.5 लाख रुपए और शहीद के सम्मान के लिए राशि एकत्रित की थी,
वो हमने समर्पित की। एक बार इनका बहुत बहुत हमें पुनः अभिनंदन करते हैं। राशि एक सम्मान का प्रतीक है, बाकी जो इन्होंने बलिदान दिया है वह हमारे लिए एक अमर गाथा है। और हमारा संकल्प यह है कि पुलवामा से लेकर के जो भी हमारी सेवाओं पर लड़ते हुए शहादत दे देते हैं हमारे अर्धसैनिक को, बलों के और सेना के जवान, बहुत जल्दी ही हमारा संकल्प है उन शहीदों के बच्चों के लिए पतंजलि एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने वाला, जिससे उन बच्चों को हम शिक्षा संस्कार दे करके स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना सकें। और ये इस परिवार में हमने सन्मति को भी देखा कि जो है इतना बड़ा एक दुख, एक इतनी बड़ी पीड़ा और दर्द होते हुए भी इनके मन में अपने पति की शहादत के लिए एक स्वाभिमान है कि मेरा सुहाग मेरे वतन के काम आया। इतनी हिम्मत रखने वाली बहन सन्मति के लिए भी एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार, हम बोडोलैंड और असम और भारत की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम।